कर लेते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटीज की, जान लेते हैं रूपा जी से कि आज कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है। रूपा जी देख रहे हैं आज भी 6400 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सिर का दिसंबर वायदा 6498 पर, आज 6500। आपको क्या लगता है, क्या ये मान लिया जाए आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन से आज से कैसे सीड में 6500 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी शुरू हो सकती है? देखिए आज तेजी में है, मार्केट थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है, तो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में रह सकता है और एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 6540 तक आज इंट्राडे में मार्केट जा सकता है। आ रही है और 2830 का हाई भी लगा चुका है। आज वो आपका टारगेट अचीव होता नजर आ गया है। अब आपको यहां से क्या लगता है, क्या इंट्राडे में बिनौला खल में ऊपरी सर्किट भी लगते नजर आ सकते हैं और ज्यादा? देखिए बिल्कुल आज अच्छी रैली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक अच्छा अपसाइड मूव बना है और मैंने लगातार यही बोला है कि जब भी बाजार गिर रहा है आप इसमें बाइंग करें और ये कमोडिटी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब यहाँ से ये 3000 का स्तर छूती हुई नजर आ सकती है, अगर 2800 के ऊपर की आज क्लोजिंग आती है तो इसका लेवल जो है आगे चलकर 3000 तक देखने को मिल सकता है। जी ये सर रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसाल में देख रहे हैं कि जीरे में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जीरे का दिसंबर वायदा 16000 के ऊपर जाता नजर आया है, 16290 का हाई भी लगा दिया है, 2.5% की तेजी है। हल्दी के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली है 7690 का। रूपा जी देख रहे हैं कि हल्दी और जीरा अचानक से रिकवरी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन धनिया जो हल्दी और जीरे से ज्यादा तेजी दिखा रहा था वो थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है इस टाइम पे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से मसालों में तेजी बनती नजर आ सकती है? देखिए छुटमुट एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है लेकिन मुझे लंबी तेजी फिलहाल दिखाई नहीं देती है। आज जरूर अच्छी रैली आई है तो उसके चलते आज आप इंट्राडे में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है और आज हल्दी जो है 7800 के पार जा सकती है। जी ये सर पर बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में देख रहे 9800 के लेवल्स पर है और ग्वार सीड 5600 के घरों में। रूपा जी आपने पहले ही बता दिया था मार्केट एमसीबी के माध्यम से दर्शकों की ग्वार में अभी थोड़ी दूरी बना के रखें, हो सकता है कि गिरावट और ज़्यादा गहरा जाए और वही हम अब होता हुआ देख रहे हैं। जैसा आपने बताया था कि गिरावट और ज़्यादा गहरा चुकी है, अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ पे प्राइसेस कुछ सस्टेन होंगे या फिर यहाँ से अभी थोड़ी और करेक्शन बाकी है ग्वार के अंदर? देखिए ग्वार में अभी डाउनसाइड देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है वो अभी बना रह सकता है। अभी पॉजिटिव मोमेंटम काफी कम हो चुका है, नीचे में एक बार यहाँ से 9700 से 9600 तक लुढ़क सकता है। क्या रहेगा ग्वार सीड में, क्या 5600 के नीचे भी और ज्यादा लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए ग्वार सीड बिल्कुल नीचे में एक बार 5500 तक लुढ़क सकता है और इनफैक्ट उसके नीचे लुढ़का तो आपको 5200 तक भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। आज जरूर कल की गिरावट के, पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी है बट मुझे ये रिकवरी सस्टेनेबल नहीं लग रही है। अगर देखिए गम वापिस से अगर 10000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी लंबी तेजी में जा सकता है और सीड 6000 के ऊपर, नहीं तो उसके पहले काफी उठापटक का माहौल बना रह सकता है और अब लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये सर रूपा जी बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि एक के बाद एक तेजी बंदी नजर आ रही है। फिर से देख रहे हैं सोयाबीन का दिसंबर वायदा 6804 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6885 का ही लगा चुका है, लगभग 3% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि आज सोयाबीन के बाजार काफी शानदार रिकवरी के साथ तेजी के साथ खुलते नजर आए हैं और हमने लगभग 2 सप्ताह पहले सोयाबीन के अंदर 6900 के ऊपर लेवल्स आते हुए देखे थे। क्या आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह 7000 या उससे भी ऊपर के भी लेवल्स एक बार फिर से देखने को मिल पाएंगे सोयाबीन के अंदर? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर जो है 7000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि 7000 तक ऊपर जा सकता है। जी तो यानी कि सोयाबीन में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब एक अपसाइड मोमेंटम बनता नजर आ रहा है तो ऊपर के मुताबिक सोयाबीन की कीमतों में 7100 तक के भी लेवल्स। रूपा जी
दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जो सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं, मस्टर्ड में अभी कैसा रुझान रहेगा? रूपा जी, हमने देखा है कि मंडियों में भले ही आवकों का दबाव रहा हो, कम आवकें देखने को मिल रही हो, लेकिन इस बार जो सोइंग है वो भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। इनफैक्ट पहले के मुकाबले ज़्यादा ही बताई जा रही है कि इस बार दोगुना बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है। ऐसे में क्या सरसों के और अच्छे रेट्स देखने को मिल पाएंगे या फिर थोड़ा कम रेट्स मिलेंगे पहले के मुकाबले? देखिए, थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आगे चल के प्रेशर में आ सकती है ये कमोडिटी, क्योंकि अराइवल का दबाव जो है वो बन सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में सभी एडिबल ऑयल पैक में एक बार अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं विक्रांत जी, जिनका सवाल सोया ऑयल को लेकर है। ये जानना चाह रहे हैं सोया ऑयल में क्या करना होगा आगे? सोयाबीन में तो फिलहाल बाइंग ही है, हमने लगातार बताया कि डिप पर बाय कीजिए। और रूपा जी, सवाल सोया ऑयल को लेकर है, सोया तेल में क्या करके चलना चाहिए? मार्केट अभी इस स्थिति में इन लेवल्स पर बाइंग काफी रिस्की हो सकता है, निचले लेवल पर बाय करके चला जा सकता है। और रूपा जी, विक्रांत जी का सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर था। देखिए, आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए। विक्रांत जी का सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर था कि आगे जाके रिफाइंड सोया तेल में क्या करके चलना सही रहेगा, क्या सोया तेल के भी दाम बढ़ेंगे आगे? देखिए, सोया तेल में तेजी, छुटमुट तेजी आ सकती है, लेकिन ज्यादा लंबी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, काफी सुस्ती वाला हो सकता है। इसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि सोयाबीन अच्छा ट्रेड कर सकता है, लेकिन रिफाइंड सोयाबीन की बात करें तो यहाँ से जनवरी वायदा की अगर हम बात करें तो ऊपर में नीचे में 1180 है और ऊपर में 1240 तक मैक्सिमम एक बार अपसाइड पकड़ सकता है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शकों का सवाल ये है कि जैसे अब ओमिक्रॉन आ रहा है तो क्या सोयाबीन रोक देनी चाहिए या बेच देनी चाहिए? रूपा जी, काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति है और ऐसे में आगे की प्रिडिक्शन भी कोई नहीं कर सकता है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, इस नए वेरिएंट का असर कितना देखने को मिलेगा, कितने केसेस होंगे और आगे कैसा रुझान रहेगा, तो ऐसे में आपकी तरफ से इनको कारोबारियों का क्या सलाह रहेगी? देखिए, अभी तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करते चलें और ज्यादा लंबा होल्ड भी ना करें, क्योंकि आगे क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। और अगर लॉकडाउन लग जाता है, मंडियां फिर से बंद हो जाएंगी, फिर माल रुक जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप इसमें अभी अगर किसी को अच्छा प्राइस मिल रहा है, उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से जिस रेट पर बाय किया था, अगर उसमें प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल माल को धीरे धीरे लिक्विडेट करते रहें, ज्यादा लंबा होल्ड ना करें। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, देखिए अभी तो लगता है कि जनवरी के महीने के अंदर हो सकता है कुछ पीक पकड़ता हुआ ये ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई दे, जैसा कि रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, एनालिस्ट बता रहे हैं कि आगे जनवरी में हो सकता है कि आगे अपसाइड जो है इसकी केसेस जो है बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास दिसंबर मंथ है, तो मुझे लगता है कि दिसंबर में ही आपको सोयाबीन के अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक हैं बहुत सारे जिनका सवाल लगातार बिनौला खल को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने आज बिनौला खल में एक शानदार रिकवरी आते देखी है, 2800 का लेवल आपका जो टारगेट था वो भी अचीव होते देखा है। आपको क्या लगता है, क्या यहां से बिकवाली में रहना सही होगा, प्रॉफिट बुक कर दें, या फिर यहाँ पे अभी जिनके पहले से पोजीशन बना रखी है वो होल्ड करें, या फिर थोड़ा निचले स्तर आने का वेट करें? देखिए, किस कमोडिटी में आप बात कर रहे हैं रूपा जी? बिनौला खल के बारे में लोगों का सवाल आ रहे हैं काफी ज्यादा कि बिनौला खल में यहाँ से अभी क्या करें? देखिए, अब यहाँ से क्या करें का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका रिस्क रिवर्स रेशियो जो है वो बहुत बढ़ जाता है, इन स्तरों पर बाइंग काफी रिस्की हो सकती है। देखिए, हम 2400 के स्तरों से बाइंग करवाते आ रहे हैं कि इसमें बाइंग करके चले, जब 2600 का लेवल था तो वो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स थे, वो लेवल्स अट्रैक्टिव थे बाइंग के लिए, मैंने हमेशा ये बोला डिप पर बाय करें। अब देखिए, यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ से गिरावट का भी जो है वो नीचे का ट्रेंड बन सकता है और वो 200 पॉइंट वापस से लुढ़क भी सकता है और 200 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, तो रिस्की होगा। बाय करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, टारगेट 3000 का है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अगर फिर भी किसी को बाइंग करना है तो जनवरी वायदा बाय कर सकते हैं 2760 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 3000 का स्तर संभव है कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, दर्शक हैं दुर्गेश गर्ग जी, जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है, कैस्टर में जाना चाह रहे हैं, कैस्टर में क्या स्ट्रेटजी बनाकर चलना सही रहेगा अभी? देखिए, कैस्टर में अभी फिलहाल स्ट्रेटजी कोई बहुत लंबी नहीं समझ में आ रही है कि क्या बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए लंबे अरसे से हम देख रहे हैं 6400 से 6600 के बीच में ही घूम रहा है, 200 पॉइंट में ही, तो इसमें फिलहाल कोई बहुत ज्यादा रिटर्न अभी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी
रूपा जी, काफी सारे दर्शक है जिनका सवाल लगातार दालों को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने दालों में काफी ज्यादा मंदी भी आते हुए देखी है, और ये भी खबरें हैं कि जो इंपोर्ट कर रही है सरकार, उस दाल की भी जो क्वालिटी है वो भी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली है। बारिश ने भी दालों की फसल को खराब किया है, और दूसरा स्टॉक लिमिट। ऐसे में दाल कारोबार में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मंदी का माहौल छा रखा है, आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, दालों में फिलहाल मेरे हिसाब से मंदी ही देखने को मिलेगी, अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, आगे चल के भी प्रेशर ही देखने को मिल सकता है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लग रहा है, कॉटन में आगे कैसा रुझान रहेगा? देख रहे हैं कि अराइवल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन रूपा जी बारिश फिर से शुरू हो गई है, जो मुख्य उत्पादक राज्य है वहां पर एक बार फिर से उत्पादकों को उनकी फसल के कॉटन के कहीं खराब ना हो जाए इसका डर सताने लगा है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है अराइवल्स के चलते और भारी बारिश जो खराब कर रही है कॉटन को, ऐसी स्थिति में कॉटन की कीमतें ऊपर जाएंगी या फिर स्थिर बनी रहेंगी? देखिए, अभी कॉटन के अंदर तेजी का ही रुझान है अखिलेश, आप उसका हमने देखा भी है कि गिरने के बाद मार्केट वापस से संभलते हुए दिखाई दी है, और मुझे लगता है कि दिसंबर महीना अभी फिलहाल बाजारों में तेजी बनी रह सकती है, जनवरी मिड में जाके थोड़ा सा करेक्शन ड्यू होते हुए दिखाई दे सकती है, वहां पर बाजार जो है फिर निचले स्तरों पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी 15 से 20 दिन तेजी का माहौल बना रह सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, मेंथा में मेरी तरफ से अभी फिलहाल जो है वो डाउनसाइड का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि करंट लेवल से 20 से 40 रुपए का करेक्शन बन सकता है। जी, रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं, सादिक मोमिन जी जिनका सवाल राइस को लेकर आ रही है, राइस के अपडेट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि चावल में आगे कैसा रहेगा? देखिए, चावल में अभी छुटमुट तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और आगे अपसाइड मोमेंटम में बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और आगे अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में रह सकता है। जी, रूपा जी दर्शक हैं जो लहसुन के बारे में जानना चाह रहे हैं, गार्लिक में अभी कैसा ट्रेंड बनता नजर आ सकता है, गार्लिक में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, गार्लिक में अभी फिलहाल तेजी मुझे नहीं एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा कोई तेजी बनती हुई दिखाई देगी, अभी गार्लिक में जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जैसा एक्सपेक्टेड था कि तेजी बनेगी वैसी फिलहाल तेजी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी, रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज वो कौन सी एग्री कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है, निवेश करके चला जा सकता है? देखिए, आज अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो बिनोला खल अखिलेश, हमने देख ही लिया है कि काफी अच्छी अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिनोला खल ही आज भी इंट्राडे में अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है, और 3 हो सकता है आपको आज ऊपर में 2860 से 2880 का स्तर देखने को मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कम्युनिटीज में आपके लिए टॉपिक उनकी तरफ से बिनौला खल रहेगी, बिनौला खल में उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं उनको अचीव करने के लिए आप उस बिनौला खल में रणनीति बनाकर चल सकते हैं खरीदारी की। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मांगेराम सीवी पर।